रथ पर सवार होकर करहल से निकले खाटू नरेश श्याम प्यारे के जन्मदिन पर एक झलक पाने के लिए जमकर उमड़े श्रद्धालु। खबर करहल से है, जहां आज खाटू श्याम के जन्मदिन के मौके पर करहल में श्याम प्रेमियों ने भव्य निशान यात्रा सत्यनारायण मंदिर से प्रारंभ कर नौरण धाम स्थित श्याम हवेली तक निकाली। हारे के सहारे का जन्मदिन मनाने का जुनून हर एक में देखा गया। रथ यात्रा में नगर के सभी भक्तगण शामिल हुए, जो जय हो श्री श्याम के जयकारे लगाते हुए झूमते नाचते हुए चल रहे थे। जगह जगह श्री श्याम प्यारे का पुष्प वर्षा करके स्वागत किया गया। कई जगह स्वागत द्वार बनाए गए। आयोजनकर्ताओं द्वारा डीजे बैंड और विशेष ढोल नगाड़े बाहर से बुलवाए गए। करहल में श्याम प्रेमियों का खाटू श्याम के प्रति भक्तिभाव इतना है कि यहाँ हर शुभ मौके पर खाटू श्याम भक्तगण जाते हैं और यहाँ से पैदल यात्रा भी खाटू श्याम तक भक्तों ने की है। नगर में कई बार बाहर के कलाकारों द्वारा श्याम कीर्तन करवाए जाते हैं। हारे के सहारे का दीदार रोज होता रहे, इसके लिए नौनार धाम पर श्याम हवेली का निर्माण हो चुका है। रोज सैकड़ों की संख्या में भक्तों का हुजूम दर्शन के लिए लगा रहता है। वहीं करहल वनाचल में स्थित नौनार धाम के महंत गोपाल महाराज ने बताया कि खाटू श्याम मंदिर बन चुका है, अब सांवरिया सेठ का मंदिर बनवाया जा रहा है, जिससे कि भक्तगण यहां सांवरिया सेठ का आशीर्वाद प्राप्त कर सके। वहीं मौज भक्तों ने भी मंदिर की महिमा के बारे में कई बातें बताई। बताया कि भक्त भी अपनी मनोकामना के लिए यहां दरबार में अर्जी लगाता है, उसकी इच्छा जरूर पूरी होती है। नौनार धाम पर आसपास के क्षेत्र के अलावा दूर दराज से लोग मनोकामना लेकर आया करते हैं। संवाददाता अमित श्रीवास्तव की रिपोर्ट। जी महाराज जी, जो आज खाटू श्याम जी का जो जन्मदिन मनाया गया है, बड़ा भव्य आयोजन था, करहल से रैली निकाली गई, कैसे क्या तैयारियां थी इसको लेकर? खाटू श्याम के जन्मदिन की तैयारी एक महीना पहले से थी। हमारे करहल के क्षेत्र के और तहसील के सभी लोगों ने इसमें भाग लिया है और खाटू श्याम का जन्मदिन बड़ी धूमधाम से मनाया गया है। 23 तारीख में बहुत भक्त आए, हजारों की संख्या में झंडा ले लेके करहल से आए। हमारे क्षेत्र के आसपास के जो भी आदमी थे वो सब आए थे। वो बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा, बहुत सजावट, इस कदर की सजावट थी कि मुझे लगता है कि सुपर जिले में कोई सजावट नहीं थी। बहुत अच्छा उनने भाग लिया था। नौनार सरकार धाम तो काफ़ी समय से ही बहुत विख्यात है। खाटू श्याम जी का जो मंदिर आपने बनवाया है, जो लोग जो इतनी दूर जाते हैं खाटू श्याम मंदिर, कई लोग जो जाने में असमर्थ हैं वो यहाँ पर दर्शन करने आ रहे हैं, ये विचार कैसे आया? ये विचार मेरे मन में आया था, पहले हनुमान जी का मंदिर मैंने सहयोग से बनवाया, लोग बाग के सहयोग से। मेरे मन में भाव आया था, मैं ठाकुर जी से प्रार्थना की कि खाटू श्याम का मंदिर अगर बन जाए तो लोग बाग इतनी दूर जाते हैं
तो यहाँ पे ही लोगबाग के दर्शन, लोगबाग दर्शन कर लिए तो लोगबाग को यहीं उद्धार हो जाए। और क्या कुछ अभी एक और निर्माण यहाँ चल रहा है हम देख रहे हैं, वो क्या नया मंदिर और कौन सा बन रहा है अभी? सांवरिया सेठ का मंदिर की बन रहा है, ये सांवरिया सेठ का मंदिर है। बाबा ने मुझे आदेश दिया कि सांवरिया सेठ का मंदिर बना जाए, तो राजस्थान तक बहुत दूर पड़ता है, यहीं दर्शन होंगे। और बेहतरीन मंदिर बन रहा है, क्लासिकल मंदिर बनाने की सोच रहे हम, भगवान के आशीर्वाद से सभी लोगों के लोग दर्शन करेंगे यहाँ। ये हनुमान जी की और सिद्ध बाबा की बड़ी कृपा है, इनके आशीर्वाद से, इनकी कृपा से तो काम हो रहे हैं सब। और क्या कुछ महाराज जी, और क्या संदेश है क्षेत्रवासियों के लिए इस अवसर पर? भैया मेरा तो यही संदेश है कि ठाकुर जी की बड़ी कृपा रही है, ये मंदिर और ये धरोहर अपनी समझे और दर्शन करवे आवे, और अपना मंदिर समझ के, अपना भगवान समझ के यहाँ पर दर्शन करने आए। आपका ही सब कुछ है, मैं तो कुछ अपरा से आया हूँ यहाँ, भगवान ने भेजा हूँ सेवा करने के लिए। मैं अकेला ही हूँ, मेरे आस पास कोई नहीं है, अकेला आदमी मैं भगवान में लगा हुआ हूँ। अगर आप लोग इसमें आते रहेंगे तो निर्माण कार्य होते रहेंगे, इसमें किसी का पट नहीं है मंदिर में। कराल में ही आया हूँ, कराल का ही मंदिर है, हमारा कोई अधिकार इसमें है नहीं है, हम तो काम कर रहे हैं। और आप आते जाओ भैया, पूरे क्षेत्र से निवेदन यही है, आप समारोह ये मंदिर है और आपका ही सब कुछ है, मेरा नहीं है कुछ, बस हनुमान जी की कृपा। मौजूद हैं जो प्रसिद्ध जो स्थान है नौनार सरकार धाम, वहाँ पे आए जहाँ पे खाटू श्याम जी का आज भव्य जन्मदिन मनाया गया है। कराल में एक भव्य रैली निकाली गई, कुछ यहाँ पे भक्तगण हैं, इनसे मिलके जानेंगे क्या कुछ महिमा है यहाँ की। जी क्या नाम है आपका? राजू सोनी नाम है मेरा। राजू जी, क्या मंदिर के बारे में आप कुछ बताना चाहते हैं, जो इतना प्रसिद्ध मंदिर, क्या मुख्य इसमें महत्वता है? मंदिर की महत्व बताइए ये है कि यहाँ जो भी हनुमान जी के 11 शनिवार मन से करता है और जो उसकी जो भी मनोकामना होती है वो भगवान की कृपा से पूर्ण होती है, और हजारों भक्तों की यहाँ पर मनोकामनाएं पूर्ण हो रही हैं। हजारों भक्तों के दान सहयोग से निर्माण कार्य पिछले 7-8 साल से निरंतर चल रहा है, और अब महाराज जी के आशीर्वाद से सांवरी सेठ भगवान का मंदिर का निर्माण कार्य जारी है, और हर शनिवार यहाँ पर बाहर से बहुत ही भक्तजन आते हैं। क्षेत्र के मंत्री ने जो यहाँ पर माथा ना टेक के गए, क्या कहते हैं इनके लिए? सभी आते हैं यहाँ पर, विधायक भी आते हैं, मंत्री भी आते हैं, DSP, SP, TI सभी अधिकारी आते हैं, और सबके काम बनते हैं। मेरा खुद का काम बना है, मेरे यहाँ पर एक लड़की हुई 9 साल बाद, उसके बाद में 6 साल तक कोई संतान नहीं हुई, और महाराज जी ने मुझसे 2.5 साल पहले ही कह दिया था कि जुड़वे बच्चे होंगे, तो मेरे यहाँ पर 2 बच्चे ही हुए जुड़वा, एक बच्चा और एक बच्ची। चमत्कार की महिमा इन्होंने बताई है, आप क्या कुछ बताना चाहते हो इस पूरे मंदिर की महिमा के बारे में? ये नौनार धाम मंदिर इतना प्रसिद्ध है पूरे इलाके में, मतलब बहुत दूर दूर से यहाँ पे बहुत दूर दूर से लोग बाग दर्शन के लिए आते हैं, और गुरु भगवान, गुरु महाराज, हनुमान जी महाराज की कृपा से सबके काम बनते हैं। मतलब जो भी उम्मीद लेके आता है उसकी उम्मीद पूरी, वो खाली हाथ नहीं जाता। उसके बाद बाबा श्याम का भी यह मंदिर बन चुका है, तो वहाँ आस्था में, मतलब ये पूरा मंदिर, पूरा इलाका जो अपने कराल ब्लॉक का है, वो इस मंदिर से। मंदिर पर कब से आ रहे हैं पे? मुझे करीब 8-9 साल हो गए जब से मंदिर पर आ रहे हैं। यहाँ के आपने देखे? यहाँ के बहुत चमत्कार हैं, बहुत लोगों के यहाँ पर काम हुए हैं। मेरे यहाँ भी ये जुड़े हुए बच्चे यहीं से हैं दोनों, और मेरे रिश्तेदारों के भी बहुत काम बने हैं, वो लोग भी यहाँ से जुड़े हुए हैं, आते हैं यहाँ पर। अच्छा, आपके रिश्तेदार भी यहीं पर? हाँ, आते हैं, मनोकामना हाँ। मनोकामना पूरी होती है? हाँ होती है। एक मेरी मौसी का लड़का था, उसकी बहुत तबीयत खराब थी, वो यहीं से सही हुआ। हाँ बताओ क्या बताना चाहते हो? मेरा समय सही हुआ, एक्सीडेंट हो गया था यहाँ पे, कराल नहीं जेला, सुपुर भी नहीं जेला, सुधाकर हॉस्पिटल में कोटा जेला था। 30 दिन वहाँ पर भी मुझे मृत घोषित कर दिया था कि इसको ले जाओ, मतलब ख़त्म हो चुका है। महाराज जी से अर्जी लगाई थी हमने, महाराज जी की देन है, आज मेरे प्राण बच गए, दोबारा अपने आप ऑटोमेटिक प्राण आए थे वहाँ पे। भक्त बताना, जो कलयुग में जो चमत्कार नहीं हो सकते हैं, वो चमत्कार नौनार सरकार धाम पे महाराज जी द्वारा किए गए। क्या और बताना चाहते हो इसमें? मतलब सभी क्षेत्र के लोग बहुत सारे आए, और हम तो सोच नहीं रहे थे कि ऐसा भव्य प्रोग्राम हो जाएगा। हजारों की संख्या में बाबा के यहाँ पर आए, बहुत भव्य सारा प्रोग्राम हुआ, और सब जगह बढ़िया स्वागत हुए हमारे, और बाबा की महिमा बहुत महिमा है, जो मान लो खाटू श्याम बाबा की महिमा बहुत जोर से चल रही है यहाँ पे। प्रोग्राम को लेकर क्या कहना चाहते? प्रोग्राम की तैयारी हम एक महीने से कर रहे थे, जिसमें हमने
ढोल बाजे और बैंड और तांसे जी बीना से बुलाए थे और हमने सत्यनारायण स्वामी से यात्रा चालू की थी जो पालीवाल चौक तो होते हुए चौराहे पे चौराहे से होते हुए नौनार सरकार पे आई, जिसमें सभी ने सहयोग दिया और बीच में स्वागत भी किया गया बहुत लोगों ने, सभी श्याम प्रेमियों ने, और कम से कम 2000 लोग थे। यात्रा बाबा की कृपा से सफल हुई। काफ़ी सारी पब्लिक थी, काफ़ी महिलाएं थी, क्या था इनको बुलाने का निमंत्रण दिया गया? इनको निमंत्रण दिया गया था, घर घर चावल दिए थे हमने, पीले चावल सभी को।